सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली में महिलाओं का एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो पीड़ितों पर पहले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती है और उनके मना करने पर लूटपाट को अंजाम देकर फरार हो जाती है। मामला द्वारका सेक्टर 23 इलाके का है, जहां तीन महिलाओं ने एक युवक को शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर देकर बातों में फंसाया। युवक के मना करने पर जबरन सोने की अंगूठी लूट ली और फरार हो गई। ब्लाइंड डकैती की इस वारदात में शामिल एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो महिलाओं की तलाश जारी है। गिरफ्तार महिला की पहचान 30 वर्षीय शिना के तौर पर हुई, जो छावला इलाके में रहती है। दिनांक 7 दिसंबर 2021 को दोपहर लगभग 2:30 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को द्वारका सेक्टर 23 में लूट की एक कॉल मिली। मौके पर पहुंची पीसीआर को पीड़ित कंगनहेरी गांव निवासी 30 वर्षीय सुमित कुमार ने बताया कि वो दीनपुर गांव के औषधालय में क्लीनर का काम करता है। दिनांक 7 दिसंबर 2021 को दोपहर लगभग 2:30 पर जब वो अपने घर की ओर गोयला डेयरी से जा रहा था, तो उसने अपने मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए अपनी बाइक रोक दी और बात करने लगा। इसी दौरान तीन महिला उसके पास आई और उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर देने लगी। मना करने पर महिलाएं उग्र हो गई और उसे फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी देकर उसे काबू कर लिया। महिलाएं जबरदस्ती उससे सोने की अंगूठी लूटकर फरार हो गई। पीड़ित की शिकायत पर थाना सेक्टर 23 द्वारका में दिनांक 8 दिसंबर 2021 को एफआईआर संख्या 491/2021 अंडर सेक्शन 392/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाने और क्रिमिनलों को दबोचने के लिए ऑपरेशन वर्चस्व का जाल फैला रखा है। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी का द्वारका जिले में ऑपरेशन वर्चस्व के तहत क्रिमिनलों को क्लियर मैसेज है कि क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएंगे। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि ब्लाइंड डकैती में फरार महिला क्रिमिनल्स को दबोचने के लिए सेक्टर 23 द्वारका पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। पुलिस टीम ने सबसे पहले वारदात स्थल के आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, मुखबिरों का जाल बिछाया। टीम ने महिला क्रिमिनल्स को दबोचने के लिए सस्पेक्ट स्थानों पर पुलिस टीम को सादी वर्दी में तैनात कर दिया। टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि डकैती में फरार तीन में से एक महिला क्रिमिनल्स गोयला डेयरी नाला क्षेत्र में एक और अन्य डकैती की वारदात को अंजाम देने फिकर में घूम रही है। टीम ने जाल बिछाकर महिला क्रिमिनल्स को दबोच लिया। उसके पास से लूटी गई सोने की अंगूठी बरामद हुई है। महिला क्रिमिनल्स की पहचान मकान नंबर 9 प्रेम नगर रेवला खानपुर छावला निवासी 30 वर्षीय शीना पत्नी सोनू के रूप में हुई है। महिला हैबिचुअल क्रिमिनल्स है। गिरफ्तार महिला क्रिमिनल्स ने बताया कि सुनसान जगहों पर वो दो दो तीन तीन महिलाओं के ग्रुप में खड़ी हो जाती है, आने जाने वाले लोगों को शारीरिक संबंध का ऑफर देती है और पीड़ित के मना करने पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती है। महिला क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी से दो मामले सुलझ गए हैं, बाकी फरार दो अन्य महिला क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।